हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग घर के अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। लास्ट जो ब्लॉग था, उस ब्लॉग में मैंने आपको चुल्लारी का मार्केट दिखाया था और ये जगह पे मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इस दिन का जो पर्टिकुलर ब्लॉग है, जो रोड ट्रिप है और उसके साथ में मेरे ज़िंदगी के छोटे मोटे नोकझोंक, ये मैं आपको शेयर करूँगी। तो आज यही दिखाने वाली हूँ। लास्ट ब्लॉग में मैंने जो दिखाया वो मार्केट फिर से नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन उसके साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग शुरू होता है फ्राइडे नाइट से। तो फ्राइडे नाइट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सैटरडे और संडे छुट्टी होता है और मैं लास्ट मार्च महीने से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, आपको पता ही होगा। तो वर्क फ्रॉम होम करते करते इतना ज़्यादा बोर हो गई हूँ ना कि फ्राइडे नाइट पर अगर ऐसा एक छोटू सा राउंड ना लगाओ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा भाई मुझे कह ही रहा था कि चलो दीदी थोड़ा सा घूम कर आते हैं, तो मुझे और क्या नेकी और पूछ पूछ टाइप का मुझे फीलिंग लग रहा था एक्चुअली। हे गाइस, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे का शाम। नॉर्मली जब मैं कोची में थी और जब नॉन कोरोना डेज था, मैं और नित्या आज के दिन में हम बाहर जाते थे और हम कोई अच्छी जगह पर जाते थे, फोर्ट कोची पर जाते थे, बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना टाइम है, मैं अंडमान में हूँ, नित्या मुंबई में है, सो ऐसा नहीं है अभी। मैंने थोड़ी देर पहले ही लॉग आउट किया है एंड अभी भाई के साथ जा रही हूँ बाहर। मैंने व्लॉग का शुरुआत अभी से कर दिया है क्योंकि मुझे बाद में याद नहीं रहता है कि व्लॉग का शुरुआत भी करना था, सो दैट्स वाई। तो हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि भाई मुझे लेकर जा रहे हैं और हमें कुछ काम भी है, लाइक मार्केट से कुछ लेना है तो वो लेंगे एंड देन हम लोग घर चले जाएंगे। अभी हम क्रॉस हो रहे हैं बंगाली क्लब से और पास के ना जो सारे क्रॉस हो रहे सब देख रहे कौन है। तो अंडमान में बाहर जाके ऐसे वीडियो बनाना और फ्रंट फेसिंग कैमरा पे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ अगर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के सामने हूँ तो। लेकिन धीरे धीरे ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली कर भी लूँगी। तो देखो अभी हम अबर्डीन बाज़ार से क्रॉस हो रहे हैं और आपको पहले भी मैंने ये रोड दिखाया है और फिर हम जाएंगे सेलुडा जेल वाली रोड से नीचे उतरेंगे, मतलब मेरीना पार्क के वहाँ से आएंगे। एक्चुअली हम गए थे मोमो खाने और मोमो खाने का जो रूट था वो सिंपल है, घर से बस डायरेक्ट आप चले जाओ अबर्डीन बाज़ार एंड गुरुद्वारा के पास ही है, पुलिस गुरुद्वारा के पास ही है। लेकिन बस मैंने जैसे बोला कि मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वर्क फ्रॉम होम से और मेरा ऑफिस का काम भी एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो मुझे थोड़ा सा सी साइड दिखा दो। तो अंडमान में रहने का यही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अगर आप यहाँ पे गाड़ी आपके पास है तो आप थोड़ा सा दूर में ही जस्ट लाइक 5 मिनट पर आप जा सकते हो, अगर गाड़ी ना भी है तो भी आप जा सकते हो। मेरे घर से अगर जस्ट 3 किलोमीटर या फिर 2.5 किलोमीटर तक आप चल लो तो आपको समुंदर दिख जाएगा एंड यू कैन एन्जॉय योर इवनिंग और मॉर्निंग एनी टाइम एक्चुअली। तो देखो हम सेलुडा जेल वाली नीचे रोड से जा रहे हैं। ये रोड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैं हर दिन सोचती हूँ, मतलब हर वीक सोचती हूँ कि मैं आपको दिन पे आके ये वाला रोड आपको कभी बताऊँगी जो सेलुडा जेल से नीचे उतरने वाली रोड है। लेकिन मेरे दोनों भाई और मैं इतने ज़्यादा बिजी है कि हमसे होता ही नहीं है ये तरफ आने के। मैं और मैं सैटरडे संडे चली जाती हूँ कहीं पे वीडियो शूट करने या फिर अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने। एक्चुअली वीडियो बनाने से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं माइंड को रिलैक्स करूँगी। तो अभी देखो हम क्रॉस हो रहे हैं मेरीना पार्क के साइड से ही। इस रेस्टोरेंट का नाम है लाइट हाउस रेस्टोरेंट और इसका एक्चुअली 2 रेस्टोरेंट है अंडमान में और इस रेस्टोरेंट पे हम एक बार आए भी थे। मेरीना पार्क एक्चुअली भी ओपन है और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, तो अगर आप अंडमान में आते हो तो इस टाइम पे आप आना एंड थोड़ी देर बैठे रहना, आपको अच्छा भी लगेगा। और फिर से इस रोड पे ना जॉगिंग शुरू हो गया है जैसे मैं आपको बता रही थी, लेकिन बच्चों का स्केटिंग अब तक शुरू नहीं हुआ है, मैं होपफुली वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे शाम को बहुत सारे फूड वैन लगता है, धीरे धीरे फूड वैन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो एक डोसा का भी फूड वैन आ गया है, देन एक बुलेट के पीछे भी कुछ बारबेक्यू टाइप का लगा है वहाँ पे। और इसी फूड वैन के पास ही है रामकृष्ण मिशन, यही है रामकृष्ण मिशन। और देन हम दूसरी वाली रोड से मतलब एलजी बंगलो के पास से हम क्रॉस हो रहे हैं। इस एरिया पे
एक साल पहले भी इस वक्त पे इतने सारे लोग खड़े हो जाते थे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट का स्पीड मिलता था। लेकिन अभी इंटरनेट का स्पीड सच में बहुत ज़्यादा सुधर गया है। और ये देखो, लेफ्ट साइड में है गांधी पार्क। गांधी पार्क बहुत साल हो गए मैं आई नहीं हूँ, मैं गांधी पार्क बहुत कम आई हूँ एक्चुअली। गांधी पार्क भी बहुत ज़्यादा सुंदर है ऐसे देखा जाए तो, लेकिन मैं इतना पता नहीं क्यों नहीं जाती हूँ, मेरिना पार्क से ज़्यादा गई हूँ। और देखो, हम पुलिस गुरुद्वारा पहुँच गए हैं और उसी के पास है हमारा मोमो सेंटर, जहाँ से मैं मोमो लेती हूँ। पिछली बार इसका रिव्यू मैंने किया था। ये कोई मतलब नेम शॉप नहीं है, बस एक अंकल जी है उनके दुकान के सामने ही इन्होंने, ये दीदी और भैया ने, उन्होंने छोटा सा एक सेंटर बना दिया है। और उनके वहाँ पे मोमो अच्छे मिलते हैं। और मोमो का एक मुझे नया एक दुकान भी दिखा है, रोड साइड है। हाइजीनिक आपको लगेगा नहीं, लेकिन अच्छा है। वो भी मैं आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी मेरे वीडियोस में। और यहाँ पे स्पेशली इस सेंटर में, इस मोमो सेंटर पे आपको मोमो के साथ सूप भी मिलेगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अंडमान में नहीं होता है मोमो के साथ सूप, बहुत ही रेयर दिखता है आपको। और मैं भाई को पूछ रही थी कि कैसा है, वो बोल रहा था बहुत अच्छा है। और मैं देखो नेक्स्ट दिन निकल पड़ी हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट दिन नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट दिन था, क्योंकि फ्राइडे नाइट को लास्ट ब्लॉक किया था और उसके बाद मैं संडे जा रही थी छोलारी मार्केट की तरफ। और ये सुबह 7 बज रहा था एक्चुअली, और यहाँ पे काफ़ी सुबह ही सब कुछ खुल जाता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि अरे सुबह 7 बजे निकल गई है और वहाँ पे तो ठंड होगी, ऐसे निकल गई है स्वेटर नहीं ली है, ऐसा कुछ नहीं है। अंडमान में ठंड का कुछ भी नहीं है, मतलब अभी भी बारिश हो रही है और अभी भी मैं फ़ैन चला कर बैठी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ पे और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ब्लॉग, मतलब ये जर्नी ब्लॉग स्टार्ट किया डॉलीगंज से थोड़ा सा आगे आके। यहाँ पे एक सब्जी का एक होलसेल एक दुकान है जिसका नाम है RSN। बहुत सारे लोग जो रिसेंटली शिफ्ट हुए हो, आप लोग मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हो कि कहाँ पे हमें होलसेल में फ्रूट्स मिलेगा, कहाँ पे आपको वेजिटेबल मिलेगा, तो आप RSN से ले सकते हो। थोड़ा सा चीप आपको वहाँ पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप। और उसके बाद मतलब डॉलीगंज के बाद जो बड़ा जगह आता है वो है भातुबस्ती, जिसके बारे में मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में इसीलिए नहीं बोलूँगी, लेकिन ये आपको आज बता देती हूँ। थोड़ी देर बाद जाके आपको एक जगह दिखेगा जहाँ पे कि बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे, वहाँ पे एक्चुअली जीप मिलता है जो कृष्णाबाद छोलारी वो तरफ जाता है। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली अभी छोलारी से डायरेक्ट बस पे पोर्टलर पे नहीं आते, जैसे मिताली वो तो मोस्टली जब छोलारी से आती है तब वो यहाँ तक ही आती है, भातुबस्ती तक ही आती है। भातुबस्ती में उसका जो भी काम रहता है वो करके वो जीप में पोर्टलर आती है, या फिर वो पोर्टलर मतलब अवैडिन बाजार बोल रही हूँ, और उसके बाद वो अगर उसको जाना भी होता है तो भातुबस्ती तक ही जाती है अवैडिन बाजार से, एंड देन वहाँ से वो जीप ले लेती है। तो ये होकर बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि बस थोड़ी थोड़ी देर में मिलता है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, सारे लोग वही जीप में जाने वाले हैं एक एक जगह, क्योंकि बस बहुत रेयर मिलता है और स्पेशली अभी के वक्त में तो बहुत ज़्यादा कम है। और हाँ, इस जगह पे देखिए मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ा हुआ था। पिछले वीडियो के जैसे इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा अंडमान के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, उसमें आपको भी हेल्प होगा और मुझे भी आपको बताने में अच्छा लगेगा। तो अंडमान में टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि ओनली 38 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। अंडमान एंड निकोबार में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लाख लोग रहते हैं। और अंडमान में मोस्टली हर एक टाइप का लैंग्वेज ही बोला जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेनली ये है कि यहाँ पर आने से आपको लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को हिंदी आता है और हर एक इंसान को यहाँ पे हिंदी आता है, किसी से भी आप बात कर लो। और जिनको नहीं भी आता है वो यहाँ पे आकर सीख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज हिंदी है। अंडमान का हिंदी थोड़ा सा डिफरेंट है मेनलैंड से, लेकिन आपको समझ आ ही जाएगा। कुछ कुछ वर्ड उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे नहाना को कहते हैं गुसल, काइंड ऑफ को कहते हैं किस्म का, ऐसा टाइप का छोटा छोटा जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर एक जगह पे रहता है, लेकिन वो आपको समझ आ ही जाएगा और थोड़ा सा फनी भी आपको साउंड करेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे कल्चरल शॉक कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक कल्चर के लोग हैं। मैंने आपको बस कुछ लैंग्वेज के ही नाम बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सारे लैंग्वेज नहीं है, जैसे मराठी या फिर कोंकणी, ऐसा कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। अंडमान में हर एक इंडिया के हर एक पार्ट से एक्चुअली लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, क्योंकि
वो जॉब के लिए आ गए या फिर बिजनेस के लिए आ गए या फिर बस यहाँ पे आए और उनको अच्छा लग गया एंड दे लाइक अंडमान और वो यहीं पे सेटल हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सच बोल रही हूँ आपको। तो देखो बात करते करते हम पहुँच गए सिपी घाट। ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है एक्चुअली, और ये जगह भी एक्चुअली सुनामी से इफ़ेक्ट हुआ है। जो मैं आपको रोड दिखा रही हूँ उसका राइट साइड में एक्चुअली सुनामी ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। बहुत किसी के घर पे पानी बहुत हद तक अंदर आ गया और पानी वहीं पे स्टील हो गया है। यहाँ पे एक भारत सेवा आश्रम भी है। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ कि बहुत सारे जगह पे घूमने जाते हैं और वो भारत सेवा आश्रम पे रहते हैं। यहाँ पे भी है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आश्रम टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो इसके बारे में मैं कह नहीं सकती। लेकिन आपको उनका नंबर गूगल पे मिल जाएगा, आप पूछ सकते हो। अब मैं एक टाइप के लोगों के बारे में बात करूंगी जो कि मेरे जैसे है। जैसे मुझे प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और उसका बेनिफिट्स जानना, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में स्पेशली जानना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए शायद मैं इतना DIY करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे टाइप के लोग हो कि आपको प्लांट्स के बारे में जानना, उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, तो अंडमान आपके लिए बहुत अच्छा जगह है। और स्पेशली मैं इस जगह पे ये बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दो टाइप फार्म है, सिपी घाट फार्म और एक है गैरी का फार्म। वहाँ पे बहुत सारे टाइप का मेडिसिन प्लांट है। तो अगर आप अंडमान आते भी हो, आप ऐसे सारे जगह पे आके थोड़ा बहुत आपका नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्लांट ले जाना है अपने घर पे तो आप वो भी कर सकते हो। ये मेरे अंदर इंटरेस्ट कहाँ से आया, मैं पहली बार सिपी घाट फार्म घूमने गई थी और वहाँ पे जाके मैंने शिनकोना प्लांट देखा था। और तभी जब मैंने जाना था कि इसके छिलके से ही एक्चुअली मलेरिया का ड्रग बनता है, तो मुझे तब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और शायद इसीलिए मैंने लास्ट में फार्मेसी कर लिया। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि यूनिवर्स ही आपको दे देता है। तो छोड़ो वो बात की बात है, लेकिन हम पहुंच गए छोलारी और थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे मार्केट, जिसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो लास्ट वीडियो पे दे दिया है। वो मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है, सी शोर मार्केट है। स्पेशली मैंने पहली बार कोई सी शोर मार्केट देखा था। और अगर आप छोलारी जाते हो थोड़ा सा नज़र आप स्ट्रेट रखना, क्योंकि पास में ही आपको लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे चिकन शॉप दिखेगा, जो कि छोटा सा जस्ट एक टोकरी में चिकन को लेकर वो सेल कर रहे हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप वहाँ पर से खरीद सकते हो। इवन वो देसी मुर्गे के अंडे भी बेचते हैं। अब ये जो चिकन है ये बॉयलर चिकन नहीं है, ये एक्चुअली नटी कोली है, मतलब विलेज चिकन है। तो आप वहाँ से चिकन भी ले सकते हो। और मैं इस वीडियो पे बिल्कुल भी उस मार्केट का वीडियो नहीं दे रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ गई थी। तो हम एक्चुअली गए थे वीर सावरकर पार्क। मैं हर वक्त इसी रोड से जाती हूँ और कभी कभी मैं लाल पहाड़ का रोड भी ले लेती हूँ। ये रोड थोड़ा सा ख़राब है, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा गड्ढा 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 बना है, तो इसीलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा शेकी हुआ है। और ये रोड से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको छोलधारी का पहले वाला सब सेंटर दिखेगा, जिसको मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। ये सब सेंटर में ना एक वार्ड बॉय थे, उन्होंने मुझे क्या बोला था पता है, मेरे फेस पे इतना ज़्यादा एक्ने हो गया था, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम ना बीटेक्स लगाना, तुम्हारा एक्ने सारा सही हो जाएगा, जो टीनेजर एक्ने होता है। और मैं इतनी बुद्धू थी, मैंने उनका बात भी सुन लिया था और मैंने लगा भी लिया था। बहुत ख़राब स्टोरी था। उसके बाद एक्चुअली भाई मुझे छोड़ के वीर सावरकर पार्क में मिताली को लेने गया था, क्योंकि मिताली को मैंने कहा कि अरे मैं आई हूँ तुम्हारे शहर पे, आ जाओ घूमने। तो वो भी फिर हमारे साथ ज्वाइन करी और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप यहाँ पे लिया है, आप प्लीज़ इसको सुने, नेचर का ट्रू साउंड। मैं आपको शायद कभी बोली नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा जन्म इस पवित्र आइलैंड पे हुआ है, जिसके कारण मुझे इतना अच्छा नेचर इतने पास से देखने के लिए मिलता है। और अंडमान से जो भी सारे लोग हैं सबको मैं बोलूँगी कि ऐसे ही फील करो, अंडमान एक्चुअली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए। मेरी सिस्टर आई थी कुछ दिन पहले और वो लिटिल अंडमान से आई थी, तो बहुत दिन से मेरे वीडियो नहीं देखी थी, तो मेरे कुछ वीडियो देख रही थी और बोल रही थी कि दीदी सेम जगह पे मैं जाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम जब वीडियो पे दिखा रही हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है।
तो मैंने कहा कि तुम उस नज़रिया से देखती नहीं उस जगह को। तो ऐसा ही है, हम कोई भी जगह अगर जाते हैं ना तो हमें उस जगह का अंदर सुंदरता देखना आना चाहिए। एक्चुअली वो कोई भी जगह आप जाओ, मैं ये नहीं बोल रही कि उसके लिए आपको अंडमान ही आना है। जब मैं कोची पे भी थी तभी भी मैं हर एक जगह को ही मैं वैसे ही देखती थी। आप याद करो मेरे घर के सामने जब सूरज डूबता था मैं उसे भी इंजॉय करती थी। तो लाइफ में हर एक मोमेंट्स को जियो और उसका अंदर का जो सुंदरता है उसे आप एक्सट्रैक्ट करो। तो धरती माँ एक्चुअली एक हमने मतलब बहुत एन नंबर्स ऑफ गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है, तो उसको एक्सेप्ट करना हमें आना चाहिए और उसे एम्ब्रेस भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त कंप्लेनिंग की अरे तनु तुम तो रहते हो अंडमान में इसीलिए बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मतलब छोटे छोटे जगह पे रही हूँ लेकिन मैं हर वक्त बहुत एंजॉय करके रहती हूँ और इसीलिए शायद मैं उस जगह का सुंदरता को देख पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ये करना अपने लाइफ में एंड देन आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखो आंटी पकड़ी यहाँ पे मच्छी, ये एक्चुअली मेरा भाई मुझे चोलदारी मार्केट पे छोड़ के वो गया था मिताली को छोड़ने और आते वक्त उसको ये आंटी दिख गई। तो वो बोला कि मुझे बहुत अच्छा मतलब नज़ारा दिखा, वो एकदम मेरा जैसा है, उसको ऐसा सारा जगह देखने से पागल हो जाता है। और वो मेरे लिए वीडियो शूट कर रहा था कि ये वीडियो तुम इंक्लूड कर देना। तो ऑल थैंक्स टू माई ब्रदर तर्पण, तो उसने इतना अच्छा वीडियो निकाला। और उसके बाद मैं और भाई छोलदारी मार्केट फिर से गए थे, हम सोचे थे वहीं पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे लेकिन अनलकीली हमारे भाग्य में उस दिन कुछ भी नहीं मिला। तो हम रिटर्न चले आए और रिटर्न आने के बाद मैंने आपको वेजिटेबल जो भी सारे ख़रीदा उसका मैंने वीडियो अलग से किया था जो कि उस वीडियो में है। लेकिन यस हम उसके बीच में हम धनीखाड़ी भी गए थे। धनीखाड़ी क्यों गए थे बताती हूँ। तो अभी हम आए हैं छोलदारी से धनीखाड़ी, हमें छोटा सा एक काम है और उसके बाद हम जाके घर, बहुत लेट हो गया एक्चुअली लेकिन कोई बात नहीं, संडे है। तो मैं धनीखाड़ी गई थी इस काम के लिए। तो मुझे एक्चुअली नीलकंठ फूल चाहिए था, इस फूल को कहते हैं नीलकंठ और इसे मैं अपने हेयर केयर में यूज़ करती हूँ। वीडियो बहुत जल्दी देने वाली हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझे ऐसा वाला एक वीडियो लेना था जिसमें मैं थोड़ी हूँ लेकिन मेरा लक थोड़ा सा ख़राब था, मुझे उस दिन मिला नहीं। तो मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है। थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ, अभी जो वीडियो देख रहे हो इसी का रिलेटेड। तो बहुत जल्दी वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, खुश रहिए और हेल्दी खाइए। बाय बाय, टेक केयर, लवली 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 फ्रेंड्स, बताइए।